नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी शिकस्त और कुल्हान प्रमंडल से पार्टी का सुपड़ा साफ होने से संगठन में मायूसी छाई हुई है। महिला कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र में मतगणना शुरू होने के कुछ देर बाद ही कुछ प्रत्याशियों को छोड़कर भाजपा नेता खोजे नहीं मिल रहे थे। चैबासा से भाजपा प्रत्याशी जेबी तुबिद और उनके तथा कथित समर्थक तो महिला कॉलेज झांकने तक नहीं पहुंचे, जैसे सबको पहले से एहसास हो कि पश्चिमी सिंहभूम से भाजपा को एक बार फिर सफाया हो जाने वाला है। जैसे जैसे चुनाव परिणाम आते जा रहा था, हारने वाले प्रत्याशी मायूस होकर पतली गली से निकलते नजर आ रहे थे। महिला कॉलेज के गेट से लेकर शहर के सभी मुख्य मार्गों पर झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा बैनर और गाजा बाजा के साथ झूमते गाते नजर आए। दोपहर बाद शुरू हुआ आतिशबाजी का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। झारखंड में भाजपा को मिली करारी हार पर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हम लोग चुनाव हारे हैं, लेकिन मैदान नहीं हारे हैं। आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रयास होगा। अपने पक्ष में रिजल्ट कैसे हो इसकी समीक्षा करके अभी से प्रयास शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी गीता कोड़ा से हारने के बाद गिलवा ने यही कहा था, लेकिन पिछले 8 महीनों में संगठन की कार्यशैली और रणनीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका नतीजा यह है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद लक्ष्मण गिलवा चक्रधरपुर से भी हार गए। जीत लगा रहा था, ठीक है। हम लोग, मुझे लगता है कि चुनाव हारे हैं, लेकिन मैदान नहीं। आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रयास होगा कि अपने पक्ष में रिजल्ट कैसे हो और आने वाले दिनों में सरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे बनेगी, इसके लिए अभी से ही समीक्षा बैठक कर करके कहीं पर चूक हुई होगी, गलती हुई होगी, उसको सुधार करके आगे हम लोग फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे कार्य योजना बना कर। इसलिए चुनाव में हारना और जीतना यह लगे रहता है, लेकिन मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। जगन्नाथपुर से झाविमो के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मंगल सिंह बबुंगा ने हार के बाद कहा कि जनता का जनादेश स्वीकार है, जनता की सेवा में लगे रहेंगे। यह जनादेश भाजपा सरकार और रघुवर सरकार के खिलाफ रहा है। देखिए, जो जनादेश जनता ने दिया है वो स्वीकार जाए हम लोगों को, और एक है कि हम लोग जनता की सेवा में आगे भी लगे रहेंगे और जो बन पड़ेगा करते रहेंगे हम लोग। नहीं, ये जनादेश जो है निश्चित रूप से आपका भाजपा सरकार के खिलाफ रहा है और रघुवर सरकार के, खास करके रघुवर सरकार के खिलाफ रहा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये जो है, ये जनादेश जो है माना जाएगा। मझगांव से भारतीय आजाद सेना से चुनाव लड़े भाजपा के बागी नेता बड़कुंवर गागराई को भी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। उन्होंने मझगांव की जनता और विजय प्रत्याशी निरल पूर्ति को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने जो निर्णय लिया उसका नतीजा सामने है। रघुवर दास और लक्ष्मण गिलवा देख ले, उनकी हठ धर्मिता और कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देने के कारण आज ऐसी स्थिति पैदा हुई है। चलिए, जनादेश को हम लोग स्वीकार करते हैं। जो जनता स्नेह प्यार दिया, जिन्होंने हम लोग को सहयोग किया और स्नेह प्यार दिया, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा। और जो जीता है उनको भी मैंने दलपति जी को मेरी शुभकामनाएं कि आगे क्षेत्र में काम करें। और जहाँ तक है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से निर्णय लेने का काम किया इस पश्चिम सिंहभूम में, इसका नतीजा सामने है। रघुवर दास जी और लक्ष्मण गिलो जी स्वयं देख ले, क्या कहना चाहेंगे? ये लहर जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो आज के मुख्यमंत्री और लक्ष्मण गिलो दोनों ही जो नतीजा आ रहा है वो दोनों जिम्मेवार है, और किसी का कोई गिलो का अपना हठ धर्मी था और जो दिखाने का काम किया, जितना काम करना चाहिए काम भी नहीं किया क्षेत्र में। और लोग जिस तरह से कार्यकर्ता को मान सम्मान देना चाहिए, ना कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया ना नेता को मान सम्मान दिया, इसी का नतीजा आज झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की है। इसमें हम लोग संतुष्ट हैं, जो भी परिणाम आया है झारखंड के लिए भी और इस क्षेत्र के लिए, उसमें हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि ये तो लोकतंत्र में
जो प्रजा की है, लोक की है, वही मुख्य होते हैं। उन्हीं का विचार से, उन्हीं का मत से ही कोई भी सरकार बनाती है। कोई कैंडिडेट जीतता हारता है, कोई कैंडिडेट हारता तो नहीं है, एक नहीं जीतता है, हो सकता है। लोकतंत्र में बोले ना, लोकतंत्र में ऐसे होते रहता है, कोई हारता है कोई जीतता है। हो सकता है सरकार का कार्यकलाप से कोई असंतुष्ट हो, इसके चलते भी मैंने लोग मैंने इसको ये कर दिया है। सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल की 14 विधानसभा सीट में भाजपा के दिग्गज स्टार प्रचारक भी पार्टी की प्रतिष्ठा नहीं बचा पाए। प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा सीट और सरायकेला खरसवां जिले के 3 में 2 विधानसभा सीट पर पहले से ही महागठबंधन का कब्जा था, लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी का पूरे कोल्हान प्रमंडल पर कब्जा हो गया। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी। चुनाव में साम दाम दंड सहित सभी प्रक्रिया अपनाए, लेकिन जनता की नाराजगी के आगे भाजपा की एक न चली। कोल्हान की जनता सरकार के कामकाज और जिला प्रशासन की कार्यशैली से काफी नाराज थे, जहां तक कि भाजपा के कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के रवैये से नाराज चल रहे थे, जिसका खामियाजा मुख्यमंत्री सहित कोल्हान की सभी सीट गंवाने के साथ पार्टी को भुगतना पड़ा। कोल्हान की सीट से भाजपा के मुख्यमंत्री रघुवर दास और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा को भी हार का सामना करना पड़ा। यदि इस पराजय के बाद भी भाजपा जनता की नब्ज को टटोल नहीं पाए तो कोल्हान से पार्टी को आने वाले चुनाव में भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री के अहंकार ने पूरी पार्टी को ले डूबा। भाजपा के दिग्गजों से मीडिया के लोग भी काफी नाराज चल रहे थे। भाजपा के लोग मीडिया को भी सम्मान देना भूल गए थे। पार्टी के कार्यक्रम में मीडिया के लोगों को काफी परेशानियों के साथ काम करना पड़ रहा था। मीडिया की इस परेशानी से पार्टी के कार्यकर्ता भी बेखबर रहते। पार्टी की शिकायत होने पर कार्यकर्ता और कार्यक्रम के व्यवस्थापक के कानों पर सिकंद महसूस नहीं होता। मीडिया ने भी भाजपा को उनके हाल पर ही छोड़ना बेहतर समझा। लोकसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष को हार के बाद भी कुछ सीखने का सबक नहीं मिला। भाजपा के पराजय में आग में घी डालने का काम प्रशासन ने कर दिया। सभी विकास कार्य हवा हवाई होने लगा। धरातल पर कार्य कम दिखाई देता था। विकास की किरण गांव के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचने से ग्रामीणों की नाराजगी भी बड़ा मुद्दा इस चुनाव का रहा। मीडिया जब भी ग्रामीणों की आवाज बनता, उन्हें प्रशासन के कुप माध्यम का शिकार बनना पड़ता। एक ओर सत्ता के लोगों का, दूसरी ओर प्रशासन के कुप भाजन से मीडिया के लोग की कर्तव्य विमूढ़ बने हुए थे। मीडिया के लोग भी 2019 विधानसभा चुनाव के परिणाम का ही इंतजार कर रहे थे। विधानसभा चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी भी चंद लोगों से घिरे रहते थे। कार्यकर्ता और शुभचिंतकों की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं दिखते। विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले शिक्षक अभिभावक दिवस की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर ने दी। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी 2020 को विद्यालय स्तर पर शिक्षक अभिभावक दिवस आयोजित किया जाएगा। डीईओ ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए राज्य में कई कार्य किए गए हैं। इसी के तहत शिक्षक अभिभावक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में माता पिता अभिभावक शामिल होंगे, जिसमें अभिभावक अपने अनुभव को साझा करेंगे। क्रिसमस पर्व को लेकर शहर के सभी चर्च को सजाया गया है। रोमन कैथोलिक चर्च, एसपीजी मिशन चर्च, जीएल चर्च और पेंटिकोस्टल चर्च को क्रिसमस ट्री, झालर, लाइट, बैलून से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। प्रभु यीशु के जन्म स्थान का प्रतीक चरनी की सजावट आकर्षक झांकियों से की गई। चर्चों में मंगलवार की रात से लेकर गुरुवार के दिन तक कई तरह के कार्यक्रम होंगे। क्रिसमस की जागरण प्रार्थना मुख्य पुरोहितों की अगुवाई में आज रात 10:30 बजे से आरंभ होगी। रात के 12 बजते ही चर्च की घंटी घनघना उठेगी और सभी एक दूसरे को हाथ मिलाकर बधाई देंगे। इसके बाद मिसा पूजा आरंभ हो जाएगी। रोमन कैथोलिक चर्च में पल्ली पुरोहित फादर हालन बोद्रा मिसा पूजा करेंगे और ईसा मसीह से जन्म से संबंधित
दृष्टांत बताएंगे। बुधवार सुबह 6:30 बजे विशेष प्रार्थना होगी। इसमें पहली मिस्सा पूजा हिंदी में और 8 बजे सुबह हो भाषा में ईसा मसीह का संदेश दिया जाएगा। सीएनआई चर्च में रेवरेंड विमल बारला और संतोष बलिदान चढ़ाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे एसआर रुमटा ए डिवीजन लीग के अंतर्गत आज खेले गए अंतिम मुकाबला में नेवटिया माइंस की टीम ने एमसीसी चैमासा को 4 विकेट से पराजित कर पूरे 4 अंक अर्जित किए। स्थानीय बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एमसीसी की टीम ने निर्धारित जीत के लिए 35 ओवरों में 210 रनों का पीछा करने उतरी नेवटिया माइंस की टीम 31.5 ओवरों में 6 विकेट खोकर 211 रन बनाए और लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लिया। 26 दिसंबर से गुड्डा एवं लोहरदगा में आयोजित होने वाले अंतर जिला अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला अंडर 14 टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम की कमान अनुभवी सुमित शर्मा को सौंपी गई है। चयनित टीम 26 दिसंबर को गोड्डा के लिए प्रस्थान करेगी, जहां उसका पहला मैच 28 दिसंबर को बोकारो से, दूसरा मैच 29 दिसंबर को सिमडेगा से तथा अंतिम लीग मैच 31 दिसंबर को जमशेदपुर से निर्धारित है। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम की टीम गत वर्ष की विजेता टीम है, जिसने रांची में आयोजित हुए अंतर जिला अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में धनबाद को पराजित कर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया था। जंगल का संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोल्हान विश्वविद्यालय और लुपुंगुटु वाटर सोर्स की ओर से शहर में रैली निकाली गई। रैली में काफी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा शामिल थे। वर्ष के अंतिम में लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए शहर के मुख्य मार्ग में रैली निकाली गई। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने हाथ में तख्ती लेकर पर्यावरण बचाओ, धरती को स्वर्ग सा सुंदर बनाओ, पर्यावरण के लिए पेड़ लगाओ, देश बचाओ का संदेश दे रहे थे। रैली के उद्देश्य के बारे में छात्र संजय कुमार लागुरी ने बताया कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में लोग पिकनिक मनाते हैं। पिकनिक मनाने के बाद जहां तहां प्लास्टिक फेंक देते हैं। ऐसे मौके पर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का संदेश समाज को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को दूषित पर्यावरण से बचाना चाहते हैं, तो अभी से सभी लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के प्रति जागरूक होना होगा और पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाना होगा। लगे हुए हैं, उन्हें हम लोग संरक्षित करें। जहाँ पे हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि जगह जगह पिकनिक मनाते हैं वहाँ पर भी लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा फेंक फूक देते हैं। हम लोग काबू करेंगे और लोगों को समाज को हम लोग मैसेज देंगे कि हम लोग अगर अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो ये सब हम लोग को बंद करना होगा, रोकथाम करना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।